हेलो फ्रेंड्स, आपका ममता जिया क्रिएटिविटी चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी ओल्ड साड़ियों से बने हुए सूट की डिज़ाइन। मैं आपसे शेयर करूंगी, साथ ही साथ मैं आपको आइडिया दूंगी कि आपके पास किस तरह का फैब्रिक है, तो आप उससे किन किन डिज़ाइन के ट्रेंडी और स्टाइलिश सूट बना सकते हैं, वो भी ओल्ड साड़ियों का यूज करके। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है जो डिज़ाइनर और स्टाइलिश सूट की डिज़ाइन आपको पसंद है वो आपसे मिस हो जाए, क्योंकि आज मैं आपसे 150 प्लस 150 से भी ज़्यादा बहुत ही सुंदर सुंदर और एकदम यूनिक डिज़ाइन के सूट की डिज़ाइन शेयर करूंगी, और साथ ही साथ मैं आपको आइडिया दूंगी कि किस तरह से डिज़ाइनिंग देकर किस तरह की कलर कॉम्बिनेशन की साड़ी से आप किन किन डिज़ाइन के स्टाइलिश सूट बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप लेस लगाकर ओल्ड साड़ी से सूट बना सकते हैं। आप चाहें तो प्रिंटेड कुर्ती रखकर प्लेन बॉटम रख सकते हैं। आप हैवी वाले पोर्शन से, पल्लू वाले पोर्शन से कुर्ती बना सकते हैं। दुपट्टा और बॉटम आप दूसरे फैब्रिक से भी बना सकते हो। हैवी नेट की साड़ी है तो उसका रीयूज़ करके भी आप सूट बना सकते हैं। अगर आपकी साड़ी जॉर्जेट फैब्रिक की है और पल्लू उस पर भरा हुआ है तो इस तरह की डिज़ाइन आप बना सकते हैं। साथ ही साथ लेस का काम आप कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट हेल्थ ज़्यादा है तो कुर्ती और बॉटम दोनों ही चीज़ बन जाएगी आपकी साड़ी में से, और दुपट्टे के लिए आपको अलग से कपड़ा परचेस करना होगा। और अगर आपकी हाइट कम है और हेल्थ भी कम है तो आपका एक ही साड़ी में से तीनों चीज़ें आसानी से बन जाएंगी, कुर्ती बॉटम और दुपट्टा। अगर साड़ी का फैब्रिक पतला है जैसे नेट, जॉर्जेट और ऑर्गेंजा, तो आप इस तरह के सूट में लाइनिंग ज़रूर लगाएं, क्योंकि लाइनिंग लगाएंगे तभी आपका सूट ज़्यादा चलेगा और सी थ्रू नहीं रहेगा। अगर आपकी साड़ी मोटी है जैसे मोटा सिल्क का फैब्रिक आता है, या फिर क्रेप फैब्रिक आता है, या फिर कॉटन जो मोटा आता है, अगर उस टाइप की आपकी साड़ी का फैब्रिक है तो भी आप उससे सूट बना सकते हैं। बिना लाइनिंग के भी आप बना सकते हैं। आप चाहें तो कुर्ती के योग पार्ट तक आप लाइनिंग लगा लें और नीचे से लाइनिंग ना लगाएं, और बॉटम में आप लाइनिंग नहीं लगाएंगे तो भी आपका सूट काफ़ी अच्छा बन जाएगा। देखिए, इस तरह की मोहरी आजकल ज़्यादा चल रही है सलवार में, तो आप बना सकते हैं। कुर्ती प्लाजो सूट आप बना सकते हैं, नायरा स्टाइल सूट भी आप बना सकते हो, आप धोती स्टाइल सूट भी बना सकते हैं ओल्ड साड़ी से। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर कुर्ती डिज़ाइन, सूट डिज़ाइन, ड्रेस डिज़ाइन और डिज़ाइनर सूट और कुर्ती कटिंग स्टिचिंग की कई सारी वीडियोस हैं और प्लेलिस्ट भी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। आई होप कि आपके लिए पसंद आएंगे। पसंद ना आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर डेली सुबह 8 बजे न्यू वीडियो आती है इन्हीं किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप डेली भी मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं जो भी ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ या फिर कुर्ती डिज़ाइन करती हूँ तो उससे रिलेटेड इमेजेस, रील्स और वीडियोस वहाँ पर मैं अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझसे जुड़ जाइए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर आपको कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना है, तो भी आप वहाँ पर मुझे मैसेज या DM कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए भी मैं ट्राई करूँगी। ये देखिए, इस तरह से ब्लैक कलर की साड़ी है तो उससे आप सूट बना लें, उस पर कॉन्ट्रास्ट कलर का दुपट्टा आप ले सकते हो।
आप चाहें तो चेक प्रिंट की साड़ी से पटियाला सूट बना लें, दुपट्टा आप अलग से कॉन्ट्रास्ट कलर का ले सकते हो। अगर आपकी प्लेन साड़ी है तो उस पर दुपट्टा आप प्रिंटेड ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल की वीडियोस को देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर न है तो सब्सक्राइब भी कर दें, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन से सूट या कुर्ती की डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आई।